Good morning dear students, welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video class 6, subject SST part political science. Chapter 1st, आज हम start कर रहे हैं political science का understanding diversity, यानी कि विविधता को समझना. जो विविधताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उनको क्या करना है, हमें understand करना, यानी कि समझना है. Chapter start करते हैं अपन आज. This is a photograph of a group of friends. ये जो आपको एक photograph नजर आ रहा है side में, जिसमें कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि एक दोस्तों का क्या है, समूह है. इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप, ये क्या है, एक विभिन्न ग्रुप है, विविध ग्रुप है. बट दे आर आल्सो सिमिलर इन सम वेज, लेकिन कुछ मायनों में ये समान भी है. हैव अ डिस्कशन इन अ क्लास ऑन द वेरियस वे इन विच द चिल्ड्रन आर डाइवर्स. आप क्या कर सकते हैं, कक्षा में बच्चों के अंदर जो विविधताएं हैं उनके विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा कर सकते हैं. आल्सो एक्सप्लेन एनी सिमिलरिटीज़ यू हैव नोटिस इन द ग्रुप. और ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ सिमिलरिटीज़ यानी कि समानताएं भी दिखाई देती तो आप उसको नोटिस कर सकते हैं. यू मे डिस्कस द सेम अबाउट योर ओन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. आप अपने खुद के फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. अ रेनबो लुक्स ब्यूटीफुल टू अस बिकॉज इट हैज़ मैनी कलर्स, नॉट जस्ट वन. रेनबो यानी कि जो इंद्रधनुष होता है वो हमें क्या लगता है, सुंदर लगता है. क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, मैनी कलर्स, यानी कि बहुत सारे रंग होते हैं. इसलिए यहाँ यह नहीं कि सिर्फ एक ही कलर है इसलिए वो हमें सुंदर लगता है. इन द सेम वे, इसी तरीके से, इट वुड बी क्वाइट बोरिंग फॉर अस इफ़ वी वर टू ईट द सेम फूड एवरी डे. और इसी तरीके से हमारे लिए ये भी बोरिंग होगा कि हम रोजाना एक ही प्रकार का भोजन करें और वियर द सेम ड्रेस अगेन एंड अगेन, और एक ही ड्रेस को हम बार बार पहने, और वॉच अ सिंगल टीवी चैनल ऑल द टाइम, और हर समय टीवी के अंदर एक ही चैनल देखें, तो ये हमारे लिए क्या होगा, बोरिंग होगा. द वेराइटी इन आर सराउंडिंग मेक्स आर लाइफ एंड आर वर्ल्ड इंटरेस्टिंग. वेराइटीज़ यानी कि विभिन्नताएँ जो हमारे चारों ओर है, ये हमारे जीवन को क्या बनाती है, रुचिदायक बनाती है. दीज वेराइटीज़ इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. और इन वेराइटीज़ को, इन विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि विविधता कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, यानी कि वॉट इज इट, ये क्या है. डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ अ वेराइटी इन सोसाइटी और द स्टेट ऑफ बींग वेराइटी और डिफरेंट फ्रॉम वन अदर. विविधता जो है समाज के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, या एक दूसरे से अलग होने की क्या है, सिचुएशन है. भाई एक दूसरे जो अलग नज़र आते हैं वो क्या हो गए, विविधता हो गई. डाइवर्सिटी एग्जिस्ट अराउंड अस इन सेवरल फॉर्म्स. पीपल अराउंड अस आर डिफरेंट इन वेरियस वेज. दे लुक डिफरेंट, दे बिलोंग द डिफरेंट कल्चर, दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड सो ऑन. लुक एट योर क्लासमेट, आर नॉट यू ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हमारे चारों ओर जो हम देखते हैं उन सब में क्या है, डाइवर्सिटी प्रेजेंट है. अलग अलग तरह से लोग अलग अलग दिखते हैं, और ये अलग क्या करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, लैंग्वेज अलग बोलते हैं यानी कि भाषा अलग बोलते हैं, और इसी तरीके से ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है. हम हमारे क्लासमेट्स से भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इनमें से कौन अलग है, कौन अलग लैंग्वेज बोलता है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, तो ये भी क्या पाई जाएगी, हमारे बीच में डाइवर्सिटी पाई जाएगी. अब ये क्या है, एक पैराग्राफ दे रखा है, एक फॉर्मेट दे रखा है, उसको आपको फिल करना है. फिल इन द सिंपल बायो स्केच एंड कंपेयर इट विथ योर क्लासमेट एंट्रीज. अब आपको नाम करना है, आपकी एज फिल करनी है, और आपका जो सबसे फेवरेट फूड है, जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं भोजन, वो आपको लिखना है. ठीक है. फेस्टिवल आई सेलिब्रेटेड, जो त्यौहार आप मनाते हैं. मदर टंग, आपकी मम्मी कौन सी लैंग्वेज बोलती है, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, जो भी है ना. कलर आई लाइक द बेस्ट, आपको जो कलर सबसे ज़्यादा पसंद है. फेवरेट गेम लिखना है. फेवरेट ड्रेस लिखनी, भाई आपको जीन्स पसंद है या स्कर्ट टॉप पसंद है या फ्रॉक पसंद है, या बॉयज़ या तो टी शर्ट पसंद है या शर्ट्स पसंद है, इस टाइप के आपको, है ना. हॉबी यानी कि आपके क्या शौक है. और एम्बिनेशन इन लाइफ, और जीवन के अंदर आपकी क्या इच्छा है, ये सब आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट के अंदर फिल करना है. और आपके फ्रेंड्स भी इसी तरीके से इस फॉर्मेट को फिल करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है. ठीक है. अब नेक्स्ट इससे आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.